अजब गजब मध्य प्रदेश की एक और चौंकाने वाली कहानी सामने आ रही है, जिसमें एक शख्स जिंदा था लेकिन उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गया। बताया जा रहा है कि पटवारी तहसीलदार ने दलालों के साथ मिलकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया और सड़क से लगी 0.55 हेक्टेयर करोड़ों की जमीन दूसरे के नाम फौती चढ़ा दी। जीवित रतिया कोल विजय राघवगढ़ के कलहरा ग्राम पंचायत मोहन टोला निवासी है और अब अपनी जमीन पाने के लिए दर दर भटक रहा है। रतिया कोल ने अपनी आपबीती विधायक संजय पाठक को भी सुनाई। संजय पाठक ने रतिया कोल को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। संजय पाठक ने कहा कि उन सभी अधिकारियों के विरुद्ध जांच होगी और फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि शख्स का गलत सिजरा बनाया गया और पटवारी ने जमीन किसी अन्य के नाम पर चढ़वा दी है। मामले की जांच कराने की बात विधायक संजय पाठक ने की है। रतिया कोल जीवित हूँ, अधिकारी लोग मेरे को मरे घोषित कर दिए हैं। मेरी जमीन थ्योरी मजगमा में अधिकारी लोग मेरी जमीन को मरे घोषित करके बेच दिए गए। संजू भैया के पास आया, संजू भैया बोले कि आप तुम्हारी पूरी जांच पड़ताल कराऊंगा, तुमका जमीन दिलवा के रहूँगा, ये मेरा वादा है।